दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एनके न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां हम आपको लाकर देते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस न हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज की ताजा हेडलाइंस को। मोदी सरकार का नया फैसला, अब 2 नवंबर से हर घर दस्तक टीकाकरण होगा शुरू। दोस्तों कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच भारत में किसी भी नागरिक का वैक्सीनेशन न छूटे, इसके लिए सरकार द्वारा 2 नवंबर से हर घर दस्तक वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 18 साल के ऊपर के जो लोग वैक्सीनेशन से छूट गए हैं या फिर जिनको दूसरी खुराक नहीं लगी है, उन्हें उनके घर पर ही कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। दोस्तों त्योहारी सीजन में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि इस अभियान के जरिए उन लोगों को वैक्सीनेशन हो सकेगा जिन्होंने अभी तक पहली डोज या दूसरी डोज नहीं लगवाई है। दोस्तों सरकारी आंकड़ों के अनुसार महामारी टीके की पहली खुराक ले चुके 11 करोड़ से अधिक लोगों ने दूसरी खुराक नहीं ली है, इसलिए सरकार इस अभियान को चालू करने की घोषणा कर चुकी है, जिससे जल्द से जल्द सभी लोगों का टीकाकरण हो सके। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, देश में कोरोना संक्रमण के 14,348 नए मामले, 24 घंटों में 805 लोगों की गई जान। दोस्तों देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। ऐसे में तीसरी लहर की आशंका को और लगातार बढ़ रहे वैक्सीनेशन के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में कई गतिविधियां फिर से शुरू की जा चुकी हैं। वहीं दोस्तों शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश में बीते 24 घंटों में 14,348 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इसी दौरान 805 लोगों की जान चली गई है। हालांकि दोस्तों इस समय अवधि में संक्रमण से 13,158 लोगों ने जंग जीती है और वे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। वहीं दोस्तों मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल अभी 161,334 एक्टिव केस हैं। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, आज जेल में ही गुजरेगी आर्यन खान की रात, नहीं मिली रिलीज ऑर्डर की कॉपी। दोस्तों आर्यन खान आज जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। मुंबई के आर्थर रोड जेल के अधिकारियों ने बताया कि अब वह कल ही जेल से रिहा होंगे। दरअसल दोस्तों जेल में समय पर नहीं पहुंच पाया जमानत का आदेश, जिसके कारण उनकी रिहाई टल गई है। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रूज ड्रग्स केस में गुरुवार को आर्यन समेत 3 आरोपियों को जमानत दे दी थी। वह शुक्रवार को आर्यन खान की रिहाई हो सके इसके लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने सेशन कोर्ट पहुंचकर आर्यन के बेल बॉन्ड पर साइन किए थे। सेशन कोर्ट से जमानत के कागजात लेकर वकील सतीश मान शिंदे खुद आर्थर रोड जेल के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उन्हें पहुंचने में देरी हो गई और आर्थर रोड जेल प्रशासन का कहना है कि आर्यन खान को अब कल सुबह रिहाई मिलेगी। वहीं आर्यन की रिहाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 शर्तें लगाई है। हाईकोर्ट द्वारा तय शर्तों के अनुसार आर्यन और बल्कि अन्य दो को विशेष एनटीपीसी अदालत में अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे और विशेष अदालत से अनुमति लिए बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे और उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में मौजूदगी दर्ज करानी होगी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, यूपी दिल्ली समेत इन राज्यों में बढ़ने लगा है वायु प्रदूषण का स्तर, कई जगह बेहद खराब स्थिति। दोस्तों उत्तर भारत के कुछ राज्यों में प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई जगहों पर पराली जलाने की वजह से भी वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से खराब हो रहा है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली के आईटीओ पर सुबह 8 बजे आईक्यू का स्तर खराब स्तर पर था। वहीं आनंद विहार पर वायु का प्रदूषण का सबसे बेहद खराब स्तर था, इसका स्तर सुबह 8:33 पर रहा। दोस्तों बता दें कि सर्दी के मौसम में हवा में नमी और हवा में मौजूद बेहद बारीक कण शरीर के लिए बेहद नुकसानदेह साबित होते हैं। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इसका स्तर सुबह 212 था। वहीं वायु प्रदूषण का यही स्तर पूसा में 257, रोहिणी में 283 था और दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में वायु प्रदूषण का यही स्तर 284 था। वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई राज्यों में वायु का स्तर 284 से लेकर 333 तक पाया गया। इसके अलावा हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी आईक्यू लेवल 292 पर रिकॉर्ड किया गया। वहीं हरियाणा में कई राज्यों में आईक्यू के स्तर संतोषजनक थे, पर कई राज्यों में इसका बेहद ही अधिक स्तर देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, जियो फोन नेक्स्ट दिवाली से सिर्फ 1,999 रुपए में होगा उपलब्ध, ग्राहक ईएमआई में कर सकते हैं बकाया भुगतान। दोस्तों रिलायंस जियो का भारतीय यूजर्स के लिए खास तौर पर बनाया गया स्मार्टफोन जियो नेक्स्ट दिवाली से स्टोर्स पर उपलब्ध होगा। दोस्तों जियो फोन नेक्स्ट को जियो और गूगल ने मिलकर तैयार किया है। इस फोन की शुरुआती कीमत सिर्फ 1,999 रुपए है। वहीं ग्राहक बाकी का भुगतान 18 या 24 मई की आसान किस्तों में कर सकते हैं। दोस्तों इसे दुनिया का सबसे किफायती स्मार्टफोन बताया जा रहा है। वहीं स्मार्टफोन कैटेगरी में फाइनेंस का ये खास विकल्प पहली बार पेश किया जा रहा है। इससे जियो फोन नेक्स्ट ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों की पहुंच में आ जाएगा। वहीं जियो फोन नेक्स्ट रिलायंस रिटेल के देश भर में मौजूद जियो मार्ट डिजिटल रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगा। वहीं दोस्तों आप 300 रुपए महीना या 450 रुपए या 500 रुपए महीना फिर 550 रुपए महीना चुका सकते हैं। आप इनमें से कोई भी एक प्लान चुन सकते हैं और इन प्लान्स में आपको अलग अलग फायदे भी दिए जाएंगे, जैसे कि 300 रुपए में आपको हर महीने 5 GB
जीबी इंटरनेट और 100 मिनट भी मिलेंगे। वहीं 450 रुपए में आपको हर महीने 1.5 GB प्रतिदिन इंटरनेट और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलेगी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, बदल गया है आपके चाहते फेसबुक का नाम, जाने अब किस नाम से जाना जाएगा ये प्लेटफॉर्म। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की होल्डिंग कंपनी का नाम बदल गया है, अब इसे मेटो के नाम से जाना जाएगा। वहीं दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि फेसबुक रीब्रांडिंग करने वाला है। वहीं कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग ने गुरुवार को कंपनी के सालाना कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है। जकरबर्ग ने गुरुवार को फेसबुक के वार्षिक सम्मेलन में इसकी घोषणा की थी, जहां उन्होंने मेटावर्स के लिए अपने विजन के बारे में भी बताया। वहीं नई होल्डिंग कंपनी मेटा फेसबुक इसकी सबसे बड़ी सहायक कंपनी, साथ ही इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और वर्चुअल रियलिटी ब्रांड ओकुलस जैसे ऐप को शामिल करेगी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार का हार्ट अटैक से निधन, राज के सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। दोस्तों, कन्नड़ सिनेमा के चर्चित और लोकप्रिय अभिनेता पुनीत राजकुमार का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से आकस्मिक निधन हो गया है। वहीं अपने चाहने वालों के बीच पावर स्टार के नाम से लोकप्रिय पुनीत को अचेत अवस्था में बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें बचाने की कोशिश की मगर पुनीत जिंदगी की जंग हार गए। दोस्तों, पुनीत के निधन से फिल्म इंडस्ट्री और फैंस को गहरा सदमा लगा है। वहीं राजनीतिक हस्तियों को लेकर सिनेमा के साथ ही सीनियर और फैंस ने पुनीत को श्रद्धांजलि देने के साथ उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने शोक संवेदनाएं दी हैं। वहीं इसी बीच कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई ने घोषणा की है कि पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार राज के सम्मान के साथ किया जाए। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, किसान आंदोलन में 11 महीने से बंद दिल्ली की सीमाएं खोलने का काम हुआ शुरू। दोस्तों, दिल्ली हरियाणा की टीकरी बॉर्डर और दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड हटाने के साथ सीमेंट गतिरोध को हटाने का काम जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों ही बॉर्डर पर शुक्रवार शाम तक पूरी तरह से बैरिकेड और पक्के निर्माण को हटा दिया जाएगा। दोस्तों, मिली जानकारी के मुताबिक यूपी गेट पर प्रदर्शनकारियों द्वारा चेक पोस्ट लगाया गया है कि बिना उनकी अनुमति के कोई भी आगे नहीं जा सकता। वहीं दिल्ली पुलिस के कहने को अपना बैरिकेड हटा रही है और फिर रास्ता खुलवाना संभव नहीं है। जब तक किसान पूरी तरह से यहां से हट नहीं जाते, बता दें कि मेरठ एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर प्रदर्शनकारी और चेक पोस्ट भी लगा हुआ है। वहीं दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार किसानों के आंदोलन स्थल दिल्ली हरियाणा के टीकरी बॉर्डर पर एक लेन खोलने के बाद अब दिल्ली पुलिस यूपी गेट पर भी ऐसा ही कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस के जवान शुक्रवार सुबह से ही गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड हटवा रहे हैं। वहीं दोस्तों, फिलहाल अभी NH9 को खोला गया है, जिसके बाद NH24 को भी खोला जाएगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, बड़ी खबर, यमुना के किनारे नहीं होगी अब छठ पूजा, DDMA ने जारी किया आदेश। दोस्तों, छठ की पूजा इस साल यमुना नदी के किनारे नहीं की जा सकेगी। इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदेश जारी कर इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। DDMA के अनुसार महामारी को देखते हुए आदेश जारी किए गए हैं। वहीं अब छठ के पूजन के लिए निर्धारित जगह को ही इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो DDMA की ओर से चिन्हित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि छठ को लेकर पूजन 8 नवंबर से शुरू होगा और दिवाली के छठे दिन 10 नवंबर को छठ पूजन का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, छठ का त्यौहार 8 नवंबर से 11 नवंबर तक मनाया जाएगा। DDMA के आदेश अनुसार श्रद्धालु पूजा करने व पूजन सामग्री को प्रवाहित केवल चिन्हित स्थानों पर ही कर सकेंगे और यमुना नदी में किसी भी प्रकार का सामान प्रवाहित करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, पेट्रोल डीजल अपडेट, पेट्रोल डीजल के दामों में तेजी से आया उछाल, जानिए आपके शहर में आज कितना हुआ महंगा। दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को भी पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा कर दिया है। वहीं पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी होने से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल अब 108 रुपए के पार हो गया है। वहीं डीजल की बात की जाए तो वह 97 रुपए प्रति लीटर चल रहा है। वहीं दोस्तों, बात की जाए सभी महानगरों की, दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपए 64 पैसे और डीजल 97 रुपए 37 पैसे हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 114 रुपए 47 पैसे और डीजल 105 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 105 रुपए 43 पैसे और डीजल 101 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल 109 रुपए 12 पैसे और डीजल 100 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर हो गया है।